की झनकार के सदके। इस एक्ट्रेस को पहली ही फिल्म में ऋषि कपूर जैसे बड़े स्टार का साथ मिला, तो बाद में राजश्री जैसा प्रतिष्ठित बैनर। इस एक्ट्रेस ने जब लैला मजनू फिल्म में काम किया तो लोग इनके हुस्न के कायल हो गए। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। लैला के किरदार को इस एक्ट्रेस ने ऐसा जिया कि जब भी लैला की बात आती है इस एक्ट्रेस का चेहरा ही नजर आता है। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से। देखते ही देखते ये एक्ट्रेस रातों रात स्टार और लोगों की चहेती बन गई। ये वो दौर था जब हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, जीनत अमान, रीना रॉय और रेखा सरीखी अभिनेत्रियों ने धूम मचा रखी थी। उनके बीच इस एक्ट्रेस की मासूमियत भरी खूबसूरती किसी ठंडे हवा के झोंके की तरह थी। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि ये हैं 70 के दशक में धूम मचाने वाली एक्ट्रेस रंजीता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना वो। लैला मजनू और अखियों के झरोखों से जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में करने के बाद रंजीता निर्माता और निर्देशकों की पहली पसंद बन गई थी। लेकिन उनका जादू बहुत ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह सका और कुछ गलत फैसलों की वजह से उनका करियर डूबने लगा। इतना ही नहीं, उन पर अपने ही पति की हत्या करने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगा। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। रंजीता ने कौन सी गलती की जिससे उनका करियर डूब गया? क्यों उन पर अपने ही पति की हत्या करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा? आज के इस वीडियो में हम रंजीता की जिंदगी के कुछ ऐसे ही खास पन्नों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम रंजीता कौर है। रंजीता को बचपन से ही एक्टिंग का शौक को पूरा करने के लिए रंजीता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और अपनी एक्टिंग स्किल्स को तराशने के बाद रंजीता ने बॉलीवुड में एंट्री की 1976 की सुपरहिट फिल्म लैला मजनू से। रंजीता ने इस फिल्म में लैला का किरदार निभाया जिसमें उनके मजनू बने थे ऋषि कपूर, जो पहले ही बॉबी जैसी फिल्म से सुपरस्टार बन चुके थे। मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। रंजीता की खुशकिस्मती रही कि लैला मजनू के संगीत ने धूम मचा दी। साहिर के लिखे गानों को दो धाकड़ संगीतकार मदन मोहन और जयदेव ने मिलकर जो धुनें दी और मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर ने इन धुनों में अपनी आवाज़ का जो जादू बख्शा उसने फिल्म को सफल बनाया। इस फिल्म की सफलता के बाद रंजीता को BR फिल्म्स और राजश्री प्रोडक्शन जैसे बैनर्स की फिल्में मिली। रंजीता ने BR चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी और वो में काम किया। ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उनके साथ
संजीव कुमार और विद्या सिन्हा जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में रंजीता ने एक ऐसी सेक्रेटरी का किरदार अदा किया जिसका बॉस अपनी पत्नी की बीमारी के किस्से गढ़ता रहता है और अनजाने में ही वो पति पत्नी के रिश्ते में दरार की वजह बन जाती है। इस फिल्म में रंजीता को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई आँखियों के झरोखों से, जो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे सचिन। ये फिल्म एक साधारण सी प्रेम कहानी थी जिसमें रंजीता ने कैंसर से पीड़ित लड़की का किरदार निभाया था। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही। ये फिल्म और इस फिल्म का संगीत आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना उस जमाने में हुआ करता था। फिल्म में रंजीता की सादगी भरी खूबसूरती और मासूम अदाकारी ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिल्म में रंजीता के किरदार की मौत लोगों की आंखें आज भी नम कर देती है। रंजीता उस समय कितनी डिमांडिंग हो गई थी, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उस समय अमिताभ बच्चन अपने करियर की पीक पर थे। ऐसे में सभी हीरोइनें अमिताभ के साथ काम करना चाहती थीं और रंजीता को ये मौका बहुत जल्दी मिल गया। रंजीता ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम किया। भले ही फिल्म में उनका रोल छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। रंजीता ने उस समय के लगभग सभी बड़े सितारों जैसे विनोद खन्ना, अमोल पालेकर, दीपक पाराशर, राज बब्बर और मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान रंजीता ने सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना और वो जो हसीना जैसी फिल्मों में काम किया। रंजीता ने मिथुन के साथ राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म तराना में काम किया। लोगों ने मिथुन और रंजीता की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया। उन्होंने मिथुन के साथ सुरक्षा समेत कई और फिल्में कीं। इसी दौरान रंजीता और मिथुन के अफेयर की खबरें भी आने लगीं। रंजीता इस दौरान अपनी शोहरत के चरम पर थीं, पर वो उस शोहरत को संभाल नहीं पाईं। उनमें तुनक मिजाजी आने लगी और वो चिड़चिड़ी होती जा रही थीं। साथ ही नए दौर के हिसाब से खुद को न ढालने के कारण उनका करियर अन्य हीरोइनों के मुकाबले पिछड़ गया। रंजीता हर फिल्म साइन करने लगीं। उनकी ये गलती और मिथुन के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियाँ उनके करियर पर भारी पड़ने लगीं और उनका करियर डूबने लगा। उनके फिल्मों में गलत सिलेक्शन का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने फिल्म तेरी कसम में कुमार गौरव की बहन का रोल करना स्वीकार कर लिया और इस रोल के साथ लगभग ये तय हो गया कि हीरोइन के रूप में उनका करियर ख़त्म हो चुका है। महज 15 सालों के करियर के बाद रंजीता ने फिल्मों से संन्यास लेना ही बेहतर समझा और 90 के दशक में ही इंडस्ट्री छोड़ दी। आखिरी बार वो साल 1990 में फिल्म गुनाहों का देवता में नजर आई थी। रंजीता को एहसास हो गया कि अब फिल्मों में उनका सिक्का नहीं जमने वाला है, इसलिए कुछ और काम करने में ही भलाई है। इसके बाद वो पुणे चली गईं जहां उन्होंने एक स्कूल में भी काम किया और फिर साल 2000 में रंजीता ने बिजनेसमैन राज मसंद से शादी कर ली। तकरीबन 15 साल बाद साल 2005 में रंजीता ने अनजाने फिल्म से बड़े पर्दे पर फिर से वापसी की, लेकिन उनका जादू दर्शकों पर नहीं चल पाया। एक बार फिर कई सालों तक गुमनामी में रहने के बाद कुछ समय पहले अचानक रंजीता चर्चा में आ गईं, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पति के साथ मारपीट की
और चौथे फ्लोर से उन्हें धक्का देने की कोशिश की। उनके पति राज मसंद ने सीनियर सिटीज़न हेल्पलाइन के जरिए रंजीता के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत की कि रंजीता कौर और उनके बेटे स्काई ने मिलकर राज मसंद को शारीरिक प्रताड़ना दी। साथ ही उन्होंने शिकायत में ये भी कहा कि रंजीता और बेटे ने उन्हें जान से मारने के लिए चौथे माले से धक्का देने की कोशिश की। इस मामले में रंजीता का कहना था कि हर घर में ऐसे झगड़े होते हैं, मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं, मेरा बेटा भी उनके साथ काम करता है, बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। हाँ, इतनी बात जरूर बढ़ गई थी कि मेरे पति ने पुलिस की मदद ली। मामला पुलिस में जाने के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही मामले को सुलझा लिया है। रंजीता अब अपने परिवार के साथ रह रही हैं। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। रंजीता के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।